हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेलीटेशन। आज हम बात करने वाले हैं एकता कपूर के सुपरहिट शो नागिन 7 के बारे में, जिसके फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और आज हमारे पास है एक एक्साइटिंग खबर जो आपके दिल को जरूर छू जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट नागिन 7, ये शो जिसे एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है। अपने सुपर नेचुरल और थ्रिलिंग प्लॉट के लिए जाना जाता है। हर सीजन में नए ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं और इस बार भी कुछ अलग ही होने वाला है। फैंस को नागिन के नए अवतार देखने को मिलेगा और इस बार का ट्विस्ट है शो में प्रियंका चहर चौधरी का नया नाम। फैंस को नागिन के न्यू अवतार को देखने को मिलेगी और इस बार का ट्विस्ट है शो में प्रियंका चहर चौधरी का नाम आया है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रियंका चहर चौधरी जो कि टीवी के दुनिया की एक पॉपुलर फेस है, नागिन बनने के लिए तैयार है। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अभी भी उन्होंने कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं किया है। तो अब सबका सवाल यही है कि क्या प्रियंका सच में इस बार इस शो का हिस्सा बनेगी या नहीं। इसका जवाब तभी मिलेगा जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। अब चलिए बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में। कई दिनों पहले ये सुना गया था कि एक और फेमस एक्ट्रेस नागिन 7 का पार्ट बनने वाली है, और वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि अविका गौर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अविका गौर जो बालिका वधु से सबके दिलों में बस गई थी। अविका गौर का नाम भी अब नागिन 7 के कास्ट में आ गया है। ये भी कहना है कि अविका प्रियंका चहर चौधरी के साथ नागिन का रोल निभाते हुए नजर आएंगी। आपको याद होगा कि अविका काफी समय से साउथ इंडियन फिल्म्स में एक्टिव रह रही हैं और टीवी से थोड़ा दूर चली गई हैं। लास्ट टाइम उन्होंने टीवी पर ससुराल सिमरका में देखा गया था, लेकिन उसके बाद से उनका टीवी करियर काफी लो प्रोफाइल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अविका गौर और प्रियंका चहर चौधरी का कॉम्बिनेशन नागिन 7 को सुपरहिट बना पाएगा नहीं? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।